आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में लाल मिर्च की नई फसल गुलाब चक्रवाती तूफान से सुरक्षित बची रह गई है। यही वजह है कि इसकी तेजी पर न केवल ब्रेक ही लग गया है, बल्कि आगामी दिनों में इसमें अब थोड़ी बहुत मंदी आने की आशंका भी व्यक्त की जाने लगी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद आंध्र प्रदेश में लाल मिर्च समेत अन्य जिन्सों का थोक कारोबार सामान्य हो गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे तटीय राज्यों में बीते सितंबर महीने के दूसरे पखवाड़े में चक्रवाती तूफान गुलाब आया था। इसकी वजह से इन दोनों राज्यों में काफी वर्षा भी हुई। कुछ बड़े व्यापारियों ने इस तूफान और वर्षा के कारण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लाल मिर्च की फसल को खराब होने की आशंका उड़ाकर थोक कीमतों में तेजी की स्थिति बना दी थी। इसके बाद मिले संकेतों से ऐसा लगता है कि इसकी वजह से लाल मिर्च की फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बहरहाल पिछले कुछ समय से लाल मिर्च की कीमत सीमित दायरे में ही बनी होने के बाद भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के किसानों ने अपनी लाल मिर्च फसल की बिक्री सीमित कर दी है। इसके फलस्वरूप गुंटूर मंडी में लाल मिर्च की आवक करीब 50 से 55,000 बोरियों की होने की सूचनाएं आ रही हैं। वर्ष की वर्तमान समय अवधि में आमतौर पर लाल मिर्च की इतनी आवक नहीं होती है जितनी की इन दिनों हो रही है। बांग्लादेश की मांग का अभाव महसूस किया जा रहा है। घरेलू स्टॉकिस्टों और दिसावरों की लिवाली भी सुस्त बताई जा रही है। बहरहाल आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी गुंटूर में बीते कुछ दिनों से 334 नंबर लाल मिर्च क्वालिटी अनुसार फिलहाल 10,000 से 11,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बनी हुई है। वहीं तेजा लाल मिर्च 12,000 से 14,500 रुपए के स्तर पर। इसी प्रकार तेलंगाना की वारंगल मंडी में भी तेजा लाल मिर्च 12,200 से 14,700 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर बनी होने की जानकारी मिली है। बांग्लादेश की मांग नहीं निकलने तथा कंटेनरों की उपलब्धता नाम मात्र की होने से दोनों प्रमुख उत्पादक राज्यों में लाल मिर्च का कारोबार सुस्त ही बना हुआ है। मानसून का सीजन अब लगभग समाप्त हो गया है, अब त्योहार भी चालू है। माना जा रहा है कि इस मौसम में आमतौर पर लाल मिर्च की खपत बढ़ जाती है। इधर राजधानी दिल्ली स्थित थोक किराना बाजार में 334 नंबर लाल मिर्च फिलहाल 14,500 से 15,000 रुपए क्विंटल के स्तर पर कारोबार करती दिखाई दी। हाल ही में इसमें 1,000 से 1,200 रुपए की तेजी भी आई थी। इधर मसाला बोर्ड के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में देश से 8,429.75 करोड़ रुपए मूल्य की 6,01,500 टन लाल मिर्च का निर्यात हुआ है। इससे पूर्व वित्त वर्ष की अवधि में इसकी 4.96 लाख टन मात्रा का निर्यात हुआ था। इससे पता चलता है कि इस बार लाल मिर्च के मात्रात्मक निर्यात में जहां 21% की वृद्धि हुई, आय 26% बढ़ गई है और आगामी दिनों में लाल मिर्च में तेजी की उम्मीद नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।